तो गाइज़ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज़ आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं MIUI 10 के जो ग्लोबल लेटेस्ट अपडेट आया है 9.6.13 का अपडेट, उसके बारे में कि आपको क्या क्या आपको उसमें चेंज वगैरह मिलता है। ठीक है गाइज़, तो ये है गाइज़ MIUI 10 ग्लोबल बीटा अपडेट 9.6.13 फुल चेंज लॉग एंड डाउनलोड लिंक। तो गाइज़ डाउनलोड लिंक आपको अभी प्रोवाइड नहीं होंगे, वो थोड़ी देर बाद प्रोवाइड होंगे। तो गाइज़ ये अपडेट आया है Redmi 5, Redmi Note 4, Mi Mix 2, Redmi Y1 Lite, Redmi Note 5। Redmi Note 5 को गाइज़ नहीं मिलेगा ये ड्यू टू सस्पेंड ऑफ एरर। तो यहाँ पे क्या क्या मिला है, तो गाइज़ फुल चेंज लॉग में देखें ऑप्टिमाइज एंड बग फिक्सेस है, स्क्रीन शॉट एडिटिंग एक्सपीरियंस। तो गाइज जो स्क्रीन शॉट एडिटिंग एक्सपीरियंस का क्या मतलब है, तो गाइज़ अगर मैं स्क्रीन शॉट लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक स्क्रॉल डाउन और सेंड का ऑप्शन आ जाता है। उसके अलावा अगर मैं स्क्रीन शॉट ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको क्रॉप कट वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, उसके नीचे यहाँ पे जो कि है और भी कुछ बहुत कुछ मिल जाता है गाइज़। यहाँ पे जैसे आपको जो कि आप पार्टिकुलर सिलेक्शन करना होता है वो, और यहाँ पे जो कि क्रॉप वगैरह भी कर सकते हो आप इसको आराम से। ठीक है, पहला रही रहा। तो गाइज़ फास्ट रिप्लाई फंक्शन सपोर्ट फ्लोटिंग विंडो ऑन द इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप नोटिफिकेशन। तो गाइज़ ये क्या बात हुई, तो गाइज़ अगर आपको कोई मैसेज वगैरह आता है ऊपर, तो मुझे तो कोई मैसेज नहीं आया तो उसके लिए सॉरी गाइज, क्योंकि अगर मैसेज आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। तो जैसे मैसेज वगैरह आता है कोई, उसके लिए गाइज़ आप फास्ट इंस्टेंट रिप्लाई कर सकते हो अगर वो भी आए। और एक न्यू फीचर ये है गाइज़ क्विक रिप्लाई, तो ये भी आपको गाइज़ उसी में ऐड हो जाता है फास्ट रिप्लाई वाले में। ठीक है गाइज़, दूसरा है, थर्ड ऑप्शन आया था गाइज़ इनकरेक्ट टच ऑफ नोटिफिकेशन बार ड्यूरिंग अ कॉल। तो गाइज जैसे कि अगर कॉल वगैरह आती थी या इनकरेक्ट मतलब टच वगैरह हो जाता था नोटिफिकेशन बार के, वैसे कुछ एक न्यू फिक्स किया हुआ है। तो अगला है गाइज फिंगरप्रिंट वॉज नॉट बीइंग डिस्प्लेड। तो गाइज जिनके पास इन फिंगर डिस्प्ले जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जिनके पास, उनके लॉक्सन के ऊपर एक मतलब अब से जो किया एक फिंगर का मतलब निशान आएगा, मतलब जैसे फिंगर वैसे ही कुछ आएगा उसके लिए गाइज आप लोगों को मतलब एक अलग से दिखने, पहले नहीं दिखने को मिलता था अब देखने को मिलेगा। तो उसके बाद गाइज कैलेंडर में डेली सिंस ऑफ इवेंट ऑफ इंडिया, तो देख लेते हैं हम गाइज कैलेंडर में क्या है। तो डेली सिंस ऑफ कैलेंडर तो यहाँ है ये, तो देख लेते हैं आप डेली ऑन दिस डे पंचमी हॉरोस्कोप, तो यहाँ पे डेली व्हाट्सअप स्टेटस आता है, टुडे इन हिस्ट्री और क्रिकेट वगैरह और हेल्थ एंड फिट। कस्टमाइज में जाके देखते हैं गाइज कस्टमाइज में क्या, ये एक नया है गाइज डेली जोक वगैरह के एक न्यू आया है, तो यहाँ से जो कि एक नया है। तो सेटिंग में जाके देखते हैं क्या है, सेटिंग में गाइज ये यही है कि आप ऊपर नीचे कर सकते हो। तो ये गाइज ये एक न्यू फीचर है कैलेंडर का। उसके बाद गाइज आता है थर्ड पार्टी ऐप्स, तो फिंगरप्रिंट ऑथराइजेशन ऑफ गूगल प्ले एंड पेटीएम एक्सेट्रा। तो गाइज़ अगर आप पेटीएम वगैरह या गूगल तेज वगैरह या गूगल पे वगैरह यूज़ करते होगे, तो गाइज़ उसमें एक न्यू उस वो अब फिंगरप्रिंट को भी मतलब जो कि सपोर्ट करेगा जो ये अपडेट है। तो ये भी अच्छी बात है गाइज़, अगर आप फिंगरप्रिंट से अपना पेटीएम वगैरह अनलॉक या फिर जो कि मतलब पैसे वगैरह ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो, तो गाइज़ आपको बस अपनी फिंगर लगानी है उससे जो कि आपके मतलब ट्रांजेक्शन वगैरह आपके फ़ोन में हो जाएगी। तो ये तो रहेगा इस कुछ 4 या 5 फीचर्स जो कि इन्होंने बग फिक्स किए हैं 9.6.13 में, और जो कि ये न्यू अपडेट हाल ही में नेक्स्ट वीक फ्राइडे को फिर से लॉन्च होगा। और ये अपडेट तो गाइज रेडमी नोट 5 को लिए नहीं है, क्योंकि रेडमी नोट 5 के लिए सस्पेंडेड भी हो सकता है। हालांकि अभी तो इन्होंने सिर्फ ये बताया, डाउनलोडिंग गाइज अभी थोड़े देर में आपको मिलेंगे। ठीक है गाइज, तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।